दोनों फोन्स पे फुल एचडी रेजोल्यूशन है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन रेडमी 10 प्राइम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम है, जो मतलब होनी चाहिए उसके हिसाब से। व्यूइंग एंगल्स का फ़र्क तो आपको यहाँ ही पे दिख जाएगा। आप देखोगे कि रेडमी की स्क्रीन बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाती है, इंफिनिक्स में आपको काफ़ी बेटर ब्राइटनेस दिख रही है थोड़े एंगल से भी। नाप के भी देख लेते हैं ब्राइटनेस एक बार, तो रेडमी 10 प्राइम पे 330 निट्स के अराउंड का पीक दिख रहा है। वहीं हॉट 11S पे आप देखो 490, 500 भी क्रॉस हो रहा है यहाँ पे। पर ये डिफरेंस आपको हमेशा फील होगा जब आप आउटडोर में यूज़ कर रहे होगे अपने फ़ोन को, धूप वाले दिन अगर बाहर यूज़ कर रहे हो